आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होनी है। शाम 7 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी, प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन मंत्री फणेन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे। तो देखिए, बीजेपी अब जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जो है दिल्ली में होगी। शाम 7 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी, जहां पर खुद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी, प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन मंत्री फणेन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे। तो किस तरीके की रणनीति रहेगी इस बार, क्या किया जाएगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ खामियां रही हैं, सभी पर मंथन जो है किया जाएगा। और विधानसभा चुनावों में किस तरीके से उतरा जाए, इस पर भी रणनीति जो है हरियाणा बीजेपी बनाती हुई नजर आएगी। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आपको बता दें आज दिल्ली में होनी है। शाम 7 बजे ये मीटिंग जो है दिल्ली में होगी। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी, प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन मंत्री भी फणेन्द्र नाथ शर्मा मौजूद रहेंगे। देखिए, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सीधे तौर पर पूछना चाहूंगी, बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज दिल्ली में होनी है, किस तरीके की रणनीति जो है बीजेपी इस वक्त सोच रही है? निश्चित रूप से चमिष्का, हमने लगातार जब भी चर्चा की है भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दूसरे दलों की चर्चाओं में, यह बात एक निश्चित रूप से उठकर आई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है। और खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव में उनकी 5 सीटें कम हुई, उसके बाद से वे ज्यादा एक्टिव हो गए। न केवल जो राजनीतिक तौर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, और देखिए सीधे रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो जीत का मंत्र देकर गए। उससे पहले रोहतक में एक बड़ी बैठक हुई, अभिनंदन हुआ, मंथन हुआ, और उसके बाद जो है अब ये एक बैठक होने जा रही है। तो मसले कई हैं, न केवल विधानसभा चुनाव है, साथ साथ देखिए हालांकि जो सीएम चेहरा है वो नायब सिंह सैनी घोषित हो चुके हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी प्रदेशाध्यक्ष का जो है वो चुनाव होना है। और साथ साथ देखिए राज्यसभा की एक सीट है, उसको लेकर भी मंथन है। हालांकि अभी कोई चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन मंथन अभी से जारी है। और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य एजेंडा तो विधानसभा चुनाव ही है कि उसमें क्या क्या मुद्दे, कहीं कोई कमी छूट रही है उसे दूर किया जा सकता है, उस कमी को दूर किया जाए, कोई कोई दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाए। और साथ साथ ये देखिए टिकटार्थियों का तो काफी, जो हर विधानसभा क्षेत्र में कई कई टिकटार्थी होंगे, तो उनसे आवेदन का सिलसिला कैसे लिया जाए, क्या सर्वे करवाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं छविष्का जिनको लेकर चर्चा की जानी जरूरी है। और आज दिल्ली में भी एक अहम बैठक है जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल वे मौजूद रहेंगे, और साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, विप्लव देव हैं सह चुनाव प्रभारी हैं, और जो अगर बात करें तो जो नए अभी पार्टी मामलों के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सतीश पूनिया, और साथ साथ सह जो प्रभारी बनाए गए हैं सुरेंद्र नागर, और इसके अलावा धर्मेंद्र की बात करें वे भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में एक अहम बैठक है जिसमें लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है और विधानसभा चुनाव की किस प्रकार से तैयारी की जानी है। जी चलिए, बने रहिए अमित हमारे साथ। आप अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप अपराजिता, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, 7 बजे का समय रखा गया है, हरियाणा बीजेपी की मीटिंग होनी है, क्या कुछ खास इस दौरान रह सकता है? बहुत कम रहना है, तो उसको लेकर के लगातार हमें देखना है किस तरीके से चर्चा चल रही है, चाहे दिल्ली में हो या
आपको हरियाणा में लगातार देखने को मिल रहा है किस तरीके से बैठकें हो रही है और चर्चा की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तय की जाएगी किस तरीके से और आगे का काम करना है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पार्टियां होगी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जो पार्टी वर्कर्स है जिससे भी मीडिया से सबको उत्साहित किया था, सबको कह सकते हैं कि एक तरीके से मोटिवेट किया था, किस तरीके से बूथ लेवल तक पहुंचा है और काम कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सीटा कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रणनीतियां तय की जाएगी किस तरीके से काम करना है हमें विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और बहुत अहम चीज बात यह हो जाता है अध्यक्ष का कार्यभार, इसके कौन अध्यक्ष साधा के माध्यम से आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अभी उसका पदभार मुख्यमंत्री नायक की शैली के साथ ही है। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अध्यक्ष थे और जब वो मुख्यमंत्री बन गया तो हालांकि बदला नहीं गया, किसी और की नियुक्ति नहीं की गई है, तो अभी अध्यक्ष का कार्यभार उन्हीं के पास है। बहुत ही अहम हो जाता है ये अध्यक्ष का कार्यभार, तो बिल्कुल जरूरी है कि किसी और को ये चीज सौंपा जाए तो वही देखने वाली बात होगी कि क्या इस बैठक में भी इन्हें लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल आज कहा जा रहा है सूत्रों के बारे में मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी से भी मुलाकात करने वाले, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाती है। बिल्कुल बात की है तो कहा जा रहा है की 28 अप्रैल से भी सभी की अहम बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में केंद्र मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, साथ ही चुनाव प्रभारी सह प्रभारी मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रभारी और सह प्रभारी भी और महामंत्री भी जी आभार था। चलिए बने रहिए, अब हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है अभी भी उस पद को लेकर अभी भी अटकलें लगी हुई हैं, क्योंकि कई मीटिंग्स हुई हैं और कई मीटिंग में ये कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। अब क्या लगता है जो मीटिंग होगी इसमें इस पूरे मसले को लेकर यहां पर चर्चा होगी, क्या बीजेपी फिर से ये सोचेगी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए? देखिए निश्चित रूप से तो एक पार्टी में एक पद रहता है, ऐसी एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस प्रकार की कोशिश में लगी रहती है और एक तरह से इस बात को लेकर वह पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा भी करती है। लेकिन यहाँ हरियाणा के मामले में देखिए प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी थे, उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व तो मिल गया, लेकिन ऐसे में अब उन दोहरे दायित्व के साथ वे किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर काफी जो लंबा चौड़ा काम रहता है, संगठन की गतिविधियां भी चलानी है, साथ साथ सूबे की सरकार भी चलानी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा जो है वो किसे चुना जाए, कौन सामने लाया जाए, तो इसको लेकर मंथन तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। छबीश का तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से अभी हमारी दिल्ली संवाददाता अपराजिता श्री बता रही थी कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है और भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के भी, तो निश्चित रूप से यह एक मुख्य मुद्दा है कि प्रदेशाध्यक्ष का पद किसे सौंपा जाए, कौन ऐसा चेहरा है, कौन ऐसा नेता है जिस पर भरोसा जताया जाए, जिसके कंधों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जाए। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए 2014 के बाद से अब 2024 तक का सफर जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार के रूप में किया है, उन्हें निश्चित रूप से 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नुकसान उठाना पड़ा, न केवल 5 सीटें गवाई, साथ साथ मत प्रतिशत भी कम हुआ, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदला जाए, तो एक इस पर को लेकर भी मंथन है। इसलिए कई नीतियां बदली गई है, साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष का एक दायित्व तो किसे सौंपा जाए, कौन नेता पर विश्वास जताया जाए, यह भी एक मुख्य मुद्दा है और इसी को लेकर आज निश्चित रूप से आज की बैठक में भी मंथन होगा और साथ साथ जो केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे मुख्यमंत्री तो वहां भी इस तरह की चर्चाएं रहने की पूरी उम्मीद है और लग रहा है कि जल्द ही जो है वो प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना सामने ले आएगी। जी चलिए बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको ये यहां पर दे दें कि हरियाणा बीजेपी की मीटिंग जो है आज अहम बैठक होनी है, शाम 7 बजे दिल्ली में बैठक होगी और जहां पर आपको बता दें कि बैठक में संगठन मंत्री फणेन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको लेकर लगातार बीजेपी मंथन करती हुई नजर आ रही है।